आज हमारा टॉपिक है कि हम इनिशियलाइज किस किस तरीके से एरे को करवा सकते हैं। इनिशियलाइज का मतलब है कि हमने एरे के अंदर क्या करना है, वैल्यूज को स्टोर। फर्ज करें हमारे पास ये एक एरे है जो कि है जी, मैं इसको ज़रा स्मॉल कर लेता हूँ, एक एलिमेंट, फिर ये हमारे पास दूसरा एलिमेंट, ठीक है, फिर ये हमारे पास तीसरा, और फिर ये हमारे पास चौथा, और फिर ये हमारे पास पांच एलिमेंट के हमने रे बना लिए। तो इनके इंडेक्सिंग भी लिख लेते हैं साथ ताकि हमें ज़रा समझ आ जाए। ज़ीरो, हाँ अभी आप कह रहे थे कि जी क्या इसकी इंडेक्सिंग कन्फर्म है कि ज़ीरो से स्टार्ट होती है। यस, इसकी इंडेक्सिंग सी प्लस प्लस में, बल्कि तमाम लैंग्वेजेस में मोस्टली जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है, फ्लेक्सीबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब इसका नाम हम क्या लिखते हैं, हम इसका नाम लिख देते हैं जी ए डबल आर। ये हमारे पास एरे है, ये हमने एक एरे बना ली है और इसमें हमने करनी है वैल्यूज स्टोर। क्या नाम है जी, इंट ए आर नाम है उसका, और इसका साइज कितना है, 5। तो अब इसमें किस किस तरीके से मैं वैल्यूज को सेव कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे जो पहला तरीका है वो ये है कि मैं इसकी जगह सामने ही पैरेंथेसिस लगाऊं और यहाँ पे 23, 24, 27, 76 कितनी वैल्यूज होगी, 4 और ये 5। एक तरीका तो ये है कि मैं सिंपल एक तरीके से इसको इनिशियलाइज करूँगा। अब फर्ज करें मैं एक वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसको कैसे एक्सेस करूँगा, क्या इंडेक्स नंबर है इसका, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर क्या है जी, 3। तो मैं जैसे ही इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो पता लग जाएगा, अरे इनिशियलाइज, ठीक है, अरे लिख लेते हैं बस, 76, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक तरीका तो मिल गया कि किस तरीके से सिंपली उसके सामने पैरेंथेसिस लगाने के साथ मैं इसको इनिशियलाइज कर सकता, ये है स्टेप वन, ठीक है। ये कौन सा है जी, स्टेप वन ले जी। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैं एक अरे डिक्लेयर करूं लेकिन इसकी पैरेंथेसिस में साइज ना बताऊं, ठीक है, और मैं डायरेक्ट इसी तरह वैल्यूज पेस्ट कर सकता हूं। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इससे जो साइज है फिक्स नहीं करना पड़ा, इससे कंपाइलर रन टाइम पे साइज एलोकेट करेगा, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका मेरे पास कि मैं ब्रैकेट्स को खाली रख के भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है कि मेरे पास एक अरे है जिसकी साइज कितना है जी, 5 एलिमेंट्स है, और मैं फिर इसको 1 by 1 भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ। 29, ये थोड़ा सा टफ मेथड है लेकिन कर इस तरह भी सकते हैं आप इनिशियलाइज, 1 by 1 भी आप इसका एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। अब जिस जिस एलिमेंट को आपने वैल्यू असाइन किया है उसको तो आप एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे को आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये हमारे पास है इसका तीसरा मेथड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक सबसे आसान तरीका है, देखें यहाँ तक जो है हमें एक चीज कॉमन मिली है, या मैं अरे ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ इंट अरे ऑफ 5, यानी इस तरह अरे क्रिएट हो जाती है, हो गई। अब मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि मैं यूजर से वैल्यूज लेता जाऊं और वो खुद ब खुद ही पुट होती है, मुझे बार बार जो है वो इस तरह भी ना करना पड़े, मैं अपनी मर्जी की वैल्यूज यूजर से लेके उसमें देना चाहता हूँ, ये तो दिखना फिक्स है जी, ये तो मैं खुद से पहले दे रहा हूँ जी, ठीक है, कंपाइल टाइम पे वैल्यूज दे रहा हूँ, मैं रन टाइम पे लेना चाहता हूँ कि जब स्क्रीन पे रिजल्ट आ रहा हो तब उस वक्त मैं एंटर करूँ जी। तो मेरे पास इसका एक तरीका है, वो क्या है, लूप। अच्छा, अब मेरे पास 5 एलिमेंट की एरे है तो मैं लूप इस तरह से चला सकता हूँ, int i is equal to 0, i less than equal to 4, i plus plus, हाँ जी बताएं क्या मैंने सही लूप बनाई है। 0 का मतलब है कि 5 है तो इंडेक्सिंग ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि 5 तक तो नहीं चलेगा ना, या आप इस तरह कर सकते हैं लेस देन 5 तो ये भी 4 तक चलेगा, या लेस देन इक्वल टू 4 कर दें ये भी 4 तक चलेगा,
अब चार दफा लोग चले गए, जब ये चले गए तो मेरा काम करें ये सी आउट करे एंटर वैल्यू फॉर एरे, ठीक है। क्या करें, एक मैसेज प्रिंट करें यूजर को, और साथ ही क्या करें, यूजर से जैसे ही वैल्यू एंटर हो तो सीधी एरे के अंदर ले जाए। अब अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स लगा देता हूँ कोई, तो ये फिक्स हो जाएगा, लेकिन मैं इसके जिम्मे लगा देता हूँ वेरिएबल, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो पहले एलिमेंट में वैल्यू सेव हो जाएगी, फिर उससे अगले में, फिर उससे अगले में, फिर उससे अगले में, ठीक है, इंक्रीमेंट करते जाएंगे, और वो साथ साथ इंक्रीमेंट भी कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि जैसे ये वैल्यू सेव हो जाए तो जो फर्स्ट इंडेक्स है उसकी वैल्यू प्रिंट कर दे। किसकी वैल्यू? फर्स्ट, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू जो है उसको क्या करना, स्केयर करके प्रिंट कर देना, ठीक है, उसको दो दफा मल्टीप्लाई भी कर देना, यानी हमें समझ आ जाएगा भी वाकई हमने वैल्यूज एंटर करवा ली हैं और वो हमने एक्सेस भी कर ली हैं। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे एंटर वैल्यू ऑफ, ये हमने क्या कर दिया, ये हमने कोई ऊपर मिस्टेक की, हाँ ये देखें, ये हम स्टेटमेंट भूल गए कमेंट करना, ठीक है, इसके बाद आ जाओ जी जरा इधर, ये हमने वैल्यू इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे इंटर वैल्यू ऑफ एन एरे, ठीक है। अच्छा, ये चूंकि हमने ये दो मैसेज किए हुए हैं ना, ये भी किया हुआ मैसेज, ये मैसेज भी लिखा हुआ है और ऊपर वाला, तो हम क्या कहते हैं, हम ये वाला मैसेज जो है ना आप कमेंट कर देते हैं। अब एक अरे है और नीचे उसके ये लूप है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, वैल्यू मैंने एंटर की 12, ये फर्स्ट एलिमेंट में चली गई, 45, 23, 25 और 56। अब हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 12, हमने इसका स्केल करवाया है ऐसे ही, तो 12 का 144 आ गया। और फर्स्ट करें आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसको कर लेंगे, और अगर आप सारे प्रिंट करना चाहते हो तो फिर मैं लॉक लगा दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इधर नीचे आऊंगा, स्केल कर दिया मैंने, अब मैं सारी के सारी क्या करूंगा, फॉर लूप लगाई मैंने दोबारा से, इंट आई इज इक्वल टू 0, उसे इंडेक्स नंबर दिया कि भी 0 से स्टार्ट करना और आई लेस देन इक्वल टू 4 तक चलना और आई प्लस प्लस करते रहना, और साथ ही क्या करना, जस्ट सी आउट करना है, ठीक है, यानी बाद में स्पेस के बाद फिर अगली वैल्यू। चले दोबारा से करके देखते हैं इसका लॉजिक क्या है, यानी वैल्यू वैल्यू मैं करता हूँ एंटर 5, ठीक है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 रहने देता हूँ, 7 कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ। अब 5 का पहले आंसर आया 25, फिर 5, 3, 4, 7, 8 सारी वैल्यूज उसने डिस्प्ले करवा दी। इसको ज़रा और अच्छे से करते हैं, इसके बाद कर देते हैं एंडल, ठीक है, ताकि स्केल के बाद अगली लाइन पे 4, 5, 6, 7, 8 ये 4 का स्केल आ गया और 4, 6, 5, 6, 7, 8 उसने सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका है अरे को इनिशियलाइज और एक्सेस करने का, यानी हमने एक्सेसिंग के कितने तरीके सीख लिए, सबसे पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका और ये चौथा तरीका। तो इस तरह से हम अरे के हर एक एक अंदर वाले हिस्से को एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, आई होप कि आप अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे, 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगा, और साथ फिर हम देखेंगे कि हम जैसे जैसे वैल्यूज को एक्सेस करेंगे, फिर उसमें से जैसे हमने एक एलिमेंट को एक्सेस किया है, ठीक है, फर्स्ट करें हमने यहाँ पे 5 अरे की बजाय मैं यहाँ पे 10 के अंदर वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 10 एलिमेंट की अरे, और ये मैं कहाँ तक चलाऊंगा, 9 तक, ठीक है, और ये भी मैं चलाऊंगा 9 तक, और मैं जिस एलिमेंट के साथ जो काम करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ सेपरेटली कर सकता हूँ। फर्स्ट करें मैं 5वें का स्केयर करना चाहता हूँ तो मैं 5वें का स्केयर कर सकता हूँ, ठीक है ना, ये मेरी अपनी चॉइस, ये आपने खुद से रन करके देखना, ये मैं कोड आपको शेयर कर दूंगा, नीचे लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप डाउनलोड कर लिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।